सदर अस्पताल जो है वो सड़क अस्पताल में कल तब्दील हुआ और किस तरीके से वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, बच्चे का क्राउन दिख रहा है, बावजूद भी फोन पर बच्चे रेफर कर दिया गया कि इनको एसकेएमसीएच भेजा जाए। उस रेफर का कोई पेपर नहीं मिला। ये सारी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं से सरकार के कथनी और करनी के फर्क को दर्शाती है। सरकार जिस बात पे अपना कॉलर ऊंचा करती है, धरातल पर कोई सच्चाई नहीं है। आज भी 90% 80% केसेस जो है वो रेफर कर दिए जाते हैं, इंटरटेन नहीं किए जाते हैं। ये दलालों के मिली भगत से सदर अस्पताल फल फूल रहा है और वहां के डॉक्टर्स ही, सदर अस्पताल के डॉक्टर ही कहते हैं ना कि रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो यही स्थिति होती है। वही स्थिति आज सीतामढ़ी के लोगों की हो गई है कि जो रक्षक है वही भक्षक बने हुए हैं। अगर सीसीटीवी कैमरा का फुटेज निकाला जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि वहां के जो डॉक्टर्स होते हैं या जो डीएस हैं वो अपने क्लिनिक के टाइम पे, अपने निजी क्लिनिक में बैठी होती है, अपने ड्यूटी के आवर्स में वो अपने निजी क्लिनिक में बैठ करके अपने निजी क्लिनिक को चला रही है। तो जिस जगह पे उस सरकार को सुशासन करने का अधिकार नहीं है जहां रक्षक जो है वो भक्षक की भूमिका में आ जाए। इनको जितनी जांच करानी है करा ले, लेकिन जो सच्चाई जो है वो मुंह पे करारा तमाचा मार रही है इस सरकार के ऊपर में, जो कि सदर अस्पताल के सामने गेट पे डिलीवरी होती है और अंदर से कोई निकल के नहीं आता है, बच्चे को लेके नहीं जाता है कि चलिए फर्दर जो हमसे हुआ वो हुआ, अब कम से कम इस बच्चे को, प्रसूता को जो इंजेक्शन चाहिए या जो भी चीजें चाहिए थी, क्लीनिंग की व्यवस्था या कुछ भी करनी चाहिए थी, इतनी भी अंदर में मानवता नहीं थी इनके अंदर में। उसके बाद हुआ कि चलो फिर उसके बाद, यानी कि जो एम्बुलेंस पहले मिलना चाहिए था वो फिर बाद में जब उनको लगा, जब वीडियो आप लोग के द्वारा चलाया या वायरल होने लगा, तब जाके एम्बुलेंस लेकर के एसकेएमसीएच में जाए। उस वक्त आप क्यों भेज रहे? आपकी ब्लड बैंक आपके यहाँ पे है और आपको हमेशा एक्सचेंज में ब्लड चाहिए होता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति पहुंचा एक्सीडेंटल है, उसके साथ कोई परिजन नहीं है और उसको ब्लड की जरूरत नहीं है, तो आप ब्लड डोनर ढूंढेंगे? अगर कोई प्रसूता पहुंची उसके साथ कोई परिजन नहीं है, कोई ब्लड देने वाला नहीं है, तो आप उस वक्त ब्लड डोनर ढूंढेंगे? क्यों बैकअप में ब्लड रखे जाते हैं? ये सारी व्यवस्था जो है ये है ना, सुशासन सरकार को देखना चाहिए। उनको सिर्फ बिल्डिंग बनाने से फुर्सत नहीं, जहाँ कमीशन मिलते हैं और डॉक्टर भी यहाँ पर मस्त है अपनी निजी क्लिनिक चला करके। सर, सीतामढ़ी सदर अस्पताल के गेट पर जो एक प्रसव हुआ था कल, उस मामले को आपने जाना और उसके बाद क्या लगता है कि इस मामले में कौन दोषी है? दोषी तो हम जांच कमेटी बना रहे हैं, है ना। जैसा कि हमको पता चला कि पेशेंट को ये लोग इंटरटेन किए भी थे, जांच भी कराए थे, ब्लड के लिए बोले भी थे, तो ये लोग बोले कि नहीं, हम पेशेंट को ले जाएंगे, जो हमको पता चला, है ना। लेकिन इस सारे प्रकरण में जो दोषी है उसके लिए हम सीनियर डॉक्टर्स का कमेटी बना करके उसको हम जांच कराएंगे, जो दोषी होगा वो पनिश करेंगे। ऑन कॉल रेफर करना कहां तक सही है? बिल्कुल गलत है। अगर किसी डॉक्टर ने ऐसा किया है तो आप कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। अगर इस तरह की बात सिद्ध होती है तो कार्रवाई करेंगे। दलालों के अड्डों से घिर चुका है सदर अस्पताल, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये इसके लिए प्रशासन के नॉलेज में भी ये सब चीज है और इस पर छापामारी हम लोग करवाएंगे। छापामारी करवा के जो होगा कानूनी प्रक्रिया के तहत। ड्यूटी आवर में जो डॉक्टर अपने निजी क्लिनिक में होते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, उनको इंस्ट्रक्शन है कि ड्यूटी आवर में निजी क्लिनिक में नहीं रहना, उसको ड्यूटी करना है। सरकार का कर्मचारी है, सरकारी कार्य उसको करना है। बार बार हम लोग इस तरह का निर्देश देते हैं, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है तो पनिश होंगे। क्या छोटी छोटी बातों को लेकर सिविल सर्जन और डीएम तक पहुंचे परिजन और पेशेंट, इलाज वहां होता नहीं? कुछ दिन पहले एक सर्पदंश का मामला आया था जो आपके भी संज्ञान में होगा। छोटी छोटी चीजों को लेकर सिविल सर्जन और डीएम तक परिजन को पहुंचना पड़ेगा, या फिर आप कोई कदम ऐसा उठाएंगे जिससे लोगों को सहूलियत? कदम उठाएंगे।